जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मुख्यमंत्री उड़न दस्ता व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरों पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया है। त्योहारों के चलते स्वास्थ्य विभाग के साथ मुख्यमंत्री उड़न दस्ता भी काफी सतर्क है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज बालसमंद रोड स्थित श्री श्याम फूड प्रोडक्ट के नाम से देसी घी की फैक्ट्री में छापामार कार्यवाही की। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां से 1551 लीटर देसी घी कब्जे में लिया। इसके अलावा सैंपल भी भरे हैं। बताया जा रहा है कि वनस्पति घी में रिफाइंड व कई रासायनिक पदार्थ मिलाकर घी तैयार कर उन्हें ब्रांडेड पैकिंग में पैक कर सप्लाई किया जाता था। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के सब इंस्पेक्टर राजवीर ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि बालसमंद रोड पर एक फैक्ट्री में नकली घी तैयार किया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर हमने यहां छापेमारी की। छापे के दौरान टीम ने वहां से देसी घी की अलग अलग ब्रांड में पैकिंग में 1327 लीटर हरियाणा दीप शुद्ध देसी घी, 99 लीटर डेयरी शुद्ध देसी घी और 125 लीटर खुला देसी घी कब्जे में लिया है। इस दौरान टीम ने वहां से 4 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर भी जब्त किए जिनमें से 3 खाली और 1 आधे से ज्यादा भरा था। सब इंस्पेक्टर राजवीर ने बताया कि फैक्ट्री मालिक अजय के पास इस कार्य के लिए लाइसेंस ना होने पर मौके पर मौजूद आजाद नगर थाना पुलिस ने कार्यवाही की। एसआई रमेश कुमार की शिकायत पर अजय के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आजाद नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि चंदन नगर में थोड़ा आगे चलकर एक सुनसान सी जगह है, वहाँ एक पहले डेयरी हुआ करती थी और अब तो डेयरी तो बंद होगी। वो किराए पर लेके और अजय नाम का एक लड़का है नकली देसी घी बनाने लग रहा। तब मौके पर आए, मौके पर आए तो हमने देखा कि भट्टी वगैरह चल रही थी, घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था और हरियाणा दीप और डेयरी शुद्ध ब्रांड के नाम से नकली देसी घी बना रहे थे। ये डालडा घी और रिफाइंड के मिश्रण से तैयार हो रहा था, इसमें केमिकल डालते जिससे देसी घी को खुशबू आती है। अभी हमने हरियाणा दीप का 14 क्विंटल 27 किलो और डेयरी शुद्ध का 99 किलो की हमने पकड़ा। इस सैंपलिंग कर रहे हैं डॉक्टर साहब बैठे, फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे साथ है और इसके सैंपल की रिपोर्ट करीब 20 दिन में आ जाएगी। आज हमें सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने मैसेज देकर आर्य नगर स्थित ये श्री श्याम फूड प्रोडक्ट्स नाम की फैक्ट्री है जो वहाँ पर इंस्पेक्शन और सैंपल एनालिसिस के लिए बुलाया है। आज हमने आके यहाँ पे इंस्पेक्शन करी, इनके जरूरी कागजात दस्तावेज रजिस्ट्रेशन लाइसेंस सारे चेक करे हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ बैठे हुए हैं इसका कोई भी वैध लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन इनके पास उपलब्ध नहीं है। इनका एक फूड प्रोडक्ट है जिसके ऊपर इन्होंने किसी और का लाइसेंस नंबर डाला हुआ है, किसी और के लाइसेंस पे काम कर रहे हैं। एक फूड प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर इन्होंने अप्लाइड फॉर लिखा हुआ है। तीसरा, हमने इनका जो है लूज देसी घी लिया, जिस कंटेनर में वो लूज देसी घी पड़ा हुआ था उसके नीचे गंदगी की भरमार थी और उसी के अंदर इन्होंने वाइपर रखा हुआ है। उस वाइपर से शायद वो सारा तेल हिलाते होंगे या ना जाने किस रूप में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये 3 सैंपल्स आज हमने उठाए हैं यहाँ से। लाइसेंसेस वैसे इनके पास नहीं, कोई परमिशन किसी प्रकार की है नहीं। अब ये सैंपल्स जाएंगे फूड स्टेट लेबोरेटरी में, एनालिसिस के बाद आगामी कार्रवाई हमारी तरफ से की जाएगी। फिलहाल बाकी की पूरी कार्रवाई आगे पुलिस के हवाले है। 14 दिनों में सैंपलिंग की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनका मेन स्टॉक था जहां से फोरा घी बनाया जा रहा था उसके अंदर वाइपर पड़ा हुआ था, खुले हुए टिन के ढक्कन पड़े हुए थे, गंदगी की भरमार है। आप अभी भी जाके देख सकते हैं, शायद वहीं पे आपको भी ऐसे ही मिलेगा, एज इट इज ही मिलेगा। सो जो इनिशियल वहां से ही ये सारा तेल पैक किया जा रहा है तो आप हिसाब लगा सकते हैं भी जो पैक तेल होगा, जो घी है ये, उसका भी क्या स्टेटस रहेगा। देखिए हमने जो घी यहाँ से उठाया है उसकी मात्रा लगभग, जो लूज घी हमें मिला वो 125 लीटर के करीब था। इसके अलावा है हरियाणा दीप टेट्रा 1427 लीटर के करीब, 1427 लीटर हरियाणा दीप टेट्रा पैक पड़ा है और एक डेयरी शुद्ध देसी घी 99 लीटर पड़ा हुआ था। इंस्पेक्शन के दौरान ये सब माल मिला है।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.